Hello all, this is Samvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आपके लिए pick a card reading लेकर आई हूँ, जिसका topic है अगले कुछ घंटे आपके relationship के अंदर क्या changes लेकर आएंगे. तो next few hours की हम reading करने जा रहे हैं. तो this is pile number one, this is pile number two. अपने partner के birth month के according आपको इस pile को देखना है. ठीक है, आपका बर्थ मंथ कौन सी पाइल के अंदर आता है उससे इस रीडिंग का कोई भी लेना देना नहीं है, बिकॉज एनर्जी को चैनलाइज ही उस तरह से किया जा रहा है, चेक ही उस तरह से किया जा रहा है कि आपके पार्टनर का जो भी बर्थ मंथ है उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देखेंगे. ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब जानते हैं कि मैं आपके किसी एक क्वेश्चन का आंसर अपनी हर पेगा कार्ड रीडिंग या कलेक्टिव रीडिंग में देती हूँ. तो आज भी मैं एक क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ. सो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा. वीडियो के किसी भी पड़ाव में मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी. मैंने ऐसे दो तीन सवालों के जवाब दिए हैं और वही पर्सन नीचे आके कमेंट करते हैं कि मैम हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला. प्लीज वीडियो को कंप्लीटली देखिए. मैं ट्राई करती हूँ जो भी बहुत रैंडमली, मैं वैसे तो क्वेश्चन पिक करती हूँ, लेकिन जहां पर मुझे लगता है कि नहीं दिस इज अ नेसेसिटी, यहाँ पर इनकी लाइफ के अंदर अभी के अभी मुझे जवाब देना चाहिए, मैं वहां पर भी जवाब देती जरूर हूँ. ठीक है, और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मैम इतना टाइम हो गया आपने हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया. तो डियर आप ये भी बात समझिए कि कितने व्यूअर्स हैं रैंडमली क्वेश्चन पिक होते हैं. इसीलिए हर वीडियो में कहती हूँ कि अपने क्वेश्चन मुझसे पूछते रहिए. ठीक है, हर एक वीडियो के नीचे जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे सेम ही क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आप ही का क्वेश्चन पिक हो. सो कीप ऑन आस्किंग. ठीक है, ओके, तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर वन चूज किया है. लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज और, मेरा एक और चैनल है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. बिकॉज वो चैनल एक गाइडेड चैनल है, गाइडेड वीडियोस मैं उसमें पोस्ट करती हूँ ताकि आपको अपनी लाइफ को लेकर और ज्यादा क्लैरिटी मिल सके. और अगर मुझे मेडिटेशन में कुछ गाइडेंस आती है तो भी मैं वहां पर आप लोगों के लिए शेयर करती हूँ. तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. एंड एक मेरी डेली एंजेलिक गाइडेंस आती है रात को 10:30 बजे, उस गाइडेंस को जरूर देखिए ताकि आप अगले दिन अपनी एनर्जीज को समझ पाए, आप समझ पाए कि नेक्स्ट डे आपके लिए किस तरह का होगा. तो एक दिन पहले पोस्ट करती हूँ नेक्स्ट डे की वीडियो में. तो रात को 10:30 बजे वीडियो आती है, तो जरूर देखिएगा उस वीडियो को. ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर वन चूज किया है, लेट्स सी अगले कुछ घंटे आपके रिलेशनशिप के लिए किस तरह के होंगे, क्या चेंजेस आने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट फ्यू आवर्स फॉर योर रिलेशनशिप. देखते हैं फॉर पाइल नंबर वन पीपल. यहाँ पर विजडम का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड इज विजडम का कार्ड है. द सेकंड कार्ड ओवर हियर इज लव बिगिंस का कार्ड है. द थर्ड कार्ड ओवर हियर इज मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है. बेस चक्र का कार्ड है, ट्रायम्फ का कार्ड है. एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कंफ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है. ओके, नाउ लेट्स सी विद अनदर डेक आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस होने वाले हैं अगले कुछ घंटों में, नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में नेक्स्ट फ्यू आवर्स. देखते हैं. ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पर द सन का कार्ड है, विजडम कार्ड के ऊपर. थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, टू ऑफ कैलसेस का कार्ड है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. सो जिन्होंने पाइल नंबर वन चूज किया है, देखिए आपके पार्टनर को किसी चीज की नॉलेज होने वाली है अगले कुछ घंटों में. अगले कुछ घंटे आपकी रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से हैं कि आपके पार्टनर पहले चीजों को लेकर कुछ भी समझना नहीं चाहते थे, इस रिलेशनशिप को लेकर थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी समझना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन्हें किसी चीज का एहसास होने वाला है अगले कुछ घंटों में. ठीक है, और आपके पार्टनर जिस अंधकार में डूबे हुए हैं उस अंधकार से यहां पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं. आपके पार्टनर के लिए सनशाइन बहुत
अच्छे तरीके से आपके पार्टनर को एनलाइटन करने वाली है। ठीक है, आपके पार्टनर जिस माहौल में फंसे हुए हैं वहां पर उन्हें कोई उम्मीद की किरण दिखने वाली है, उन्हें सच्चाई का पता लगने वाला है। कुछ ऐसा अगले कुछ घंटों में होने जा रहा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को क्लैरिटी होगी चीजों को लेकर। ठीक है, और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज कर देंगे और वो थॉट प्रोसेस आपकी फेवर में यहाँ पर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। ये कुछ चंद घंटों में होने वाला है। और यहाँ पर लव बिगिंस का कारण है आपके पार्टनर आपके बारे में सोचने वाले हैं। आपके पार्टनर अबंडेंस की एनर्जीज की तरफ को एंटर करने वाले हैं। वो ये सोचने वाले हैं कि कुछ अब आपसे बात की जाए और आपके साथ ये रिलेशनशिप दोबारा से शुरू किया जाए, और वो इस थर्ड पार्टी से डायरेक्टली कुछ बात करने वाले हैं रिगार्डिंग देयर रिलेशनशिप। ये थर्ड पार्टी यहाँ पर घर का भी कोई मेंबर हो सकता है और यहाँ पर कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है डेफिनेटली। और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने बहुत स्वीट प्रिटेंड करेगी। ठीक है, आपके पार्टनर के साथ किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी, आपके पार्टनर के साथ बहुत ही ज्यादा स्वीट प्रिटेंड करेगी। लेकिन ये गलती आपके पार्टनर यहाँ पर करने जा रहे हैं कि वो इस थर्ड पार्टी के साथ कुछ बात शेयर करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसे डायरेक्टली सामने से बात नहीं करनी चाहिए। आपके पार्टनर जो भी स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है, उसके रिगार्ड में इस थर्ड पार्टी के साथ अगर आपके पार्टनर कुछ भी बात करते हैं तो वो चीज नेगेटिव ही टर्न होगी। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पर आपके पार्टनर आपके बारे में अपने रिलेशनशिप के बारे में जो रिलेशनशिप वो आपके साथ शेयर करते हैं या करते थे उसके बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं इस थर्ड पार्टी के साथ। अब आपके पार्टनर इन चंद घंटों में कहीं ना कहीं वो सारे मोमेंट्स याद करने वाले हैं जो उन्होंने आपके साथ स्पेंड किए, आप दोनों के प्यार भरे लम्हे, केयर फ्री एटमॉस्फेयर जो आप दोनों ने एक दूसरे को दिया, आपके हंसी खुशी वाले पल आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा याद आएंगे। और आपके पार्टनर आपके और उनके रिलेशनशिप के ऊपर यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रही है कि आपके पार्टनर अगले कुछ घंटों में इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करेंगे। वो अपनी पूरी डेडिकेशन देने वाले हैं, वो पूरे तरीके से अपना 100% देकर इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स लगाने वाले हैं। आपके पार्टनर अगले कुछ घंटों में इमोशनली बहुत ज्यादा क्लियर होंगे कि उन्हें आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाना है। आपके पार्टनर किसी भी एंशियस एनर्जीज के अंदर नहीं होंगे और आपके पार्टनर आपके साथ एक कमिटमेंट की एनर्जीज में एंटर करने की कोशिश करने वाले हैं अगले कुछ घंटों में। यहाँ पर मुझे सबसे बड़ी गलती आपके पार्टनर ये करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो इस थर्ड पार्टी से अपनी बातों को शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी सामने से आपके पार्टनर से लड़ाई झगड़ा नहीं करने वाली है तो ये पीछे से तो जरूर बैक स्टेप करेगी ही। तो यहाँ पर आपके पार्टनर कुछ गलती करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आप तक पहुंचते पहुंचते भी एक यू टर्न ले जाएंगे और आपके पार्टनर को पता भी नहीं लगेगा कि क्यों सब चीजें एक सही चलते चलते भी जब वो आपसे बातें करने ही वाले थे अचानक से चीजें क्यों टर्न हो गई। क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर अलग तरीके की एनर्जी को इम्बाइब किया जाएगा, आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक एनर्जी को भी इम्बाइब किया जा सकता है। और दूसरी चीज ये है कि आपके पार्टनर को मैनिपुलेटिव एनर्जीज के अंदर लाया जा सकता है कि आप अब उनके बारे में वैसा नहीं सोचते हैं जैसा आप पहले सोचा करते थे। तो ये थर्ड पार्टी अपना रोल प्ले करने वाली है, वो डार्क एनर्जीज अपने आपके पार्टनर के ऊपर इम्पोज करने वाली है। आपके पार्टनर आप तक बढ़ते बढ़ते भी आपसे दूर हो जाएंगे, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। बिकॉज यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है विद किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर यूनिडायरेक्शनल हो जाएंगे अगले कुछ घंटों में, वो सिर्फ आपकी तरफ को फोकस रखने वाले हैं, बहुत मेच्योरिटी के साथ आपकी तरफ को बढ़ने वाले हैं। लेकिन उनका ये जो स्टेप है जो ये थर्ड पार्टी के सामने वो बातों को रखने वाले हैं उसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जीज को एक्सपीरियंस करेंगे। वो
जीतते जीतते भी कहीं ना कहीं हार जाएंगे, वो आप तक पहुंचते पहुंचते भी कहीं ना कहीं यू टर्न ले लेंगे। और आज की रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए निकल कर आई है जिन्होंने अपने रिलेशनशिप में कोई एफर्ट्स नहीं लिए हैं। आपके पार्टनर एक स्टेप आपकी तरफ को लेने वाले हैं और उसके बाद आपके पार्टनर एकदम ही आपसे पीछे को हट जाएंगे। और जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है उनके लिए आपके पार्टनर ये जो सैड एनर्जीज हैं, ये जो एनर्जीज उनके ऊपर इम्बाइब की जाएंगी, उसे निकलते हुए भी आप तक पहुंचने वाले हैं। 100% ये चीज है कि आपके पार्टनर कुछ घंटों में आपसे कॉन्टैक्ट करने वाले हैं जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है। यहाँ पर मैं आपके लिए भी ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर आप मुझे पर्सनल मैसेजेस करेंगे कि मैम ये रीडिंग हमारे लिए एप्लीकेबल है, आपके लिए इस चीज में ये सारी चीजें होंगी, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने एफर्ट्स नहीं दिए उनके पार्टनर दोबारा से इसी एनर्जी के अंदर चले जाएंगे, और जिन्होंने एफर्ट्स किए हैं आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेशन बनाएंगे और वो इस कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी से निकल आएंगे। ठीक है, तो अब इस डेक से देखते हैं अगले कुछ घंटों में आपकी रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो यहाँ पर सोलमेट्स का कार्ड है, वाओ, ओके, व्हाट एल्स क्या चेंजेस आने वाले हैं। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, सेक्सुअलिटी, कंपैटिबिलिटी, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फॉरगिवनेस का कार्ड है। देखिए अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर को इस चीज़ की रियलाइजेशन होगी कि आपके पार्टनर और आप सोलमेट्स हैं। आपके पार्टनर एक अलग सी कंपैटिबिलिटी आपके साथ फील करेंगे। आपके पार्टनर को ये एहसास होगा कि जितना प्यार आप उनके साथ उनसे करते हैं शायद उन्हें उतना प्यार कोई भी नहीं कर सकता है, और इस वजह से आपके पार्टनर की जो एनर्जी है कम्प्लीटली चेंज होने जा रही है कुछ घंटों में। और इस एनर्जी को अगर बरकरार रखना चाहते हैं तो प्लीज अपने पार्टनर को हील कीजिए, और जिन्होंने अपने पार्टनर को हील किया है डेफिनेटली आपके पार्टनर एक नई एनर्जी में आते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट बनाएंगे, आपको ये चीज नजर आएगी कि आपके पार्टनर के बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, आपके पार्टनर दोबारा से अपनी एनर्जी में टैप इन कर गए हैं। और जिन्होंने अपने पार्टनर को हील नहीं किया है आपके पार्टनर कुछ टाइम के लिए अपनी एनर्जीज में टैप इन करेंगे और दोबारा से वो थर्ड पार्टी एनर्जी के अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, यहां पर सेक्सुअलिटी का कार्ड है। आपके पार्टनर आपके साथ जैसे पहले रहते थे उस तरह के मूवमेंट्स, उस तरह की बातें करने की कोशिश करेंगे, कांटेक्ट होगा और वो अपने डिजायर्स आपके सामने शेयर करेंगे, और आप दोनों के बीच में बहुत ही गहरा रिश्ता बनता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और जिन लोगों ने अपने पार्टनर को हील नहीं किया है आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आपके पास सिर्फ किसी मतलब के लिए आए हैं, आपको ये फीलिंग भी आ सकती है। इस वजह से ये एनर्जी का कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, अपने पार्टनर को हील कीजिए बिकॉज थर्ड पार्टी आपके केस में पीछे नहीं हटी है। और जिन लोगों ने हील किया है थर्ड पार्टी आपके केस में भी पीछे नहीं हटी है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी से आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है, इस वजह से उसकी जो भी एनर्जी चेंजेस होंगे थर्ड पार्टी इम्पोज करने की कोशिश करेगी उसका असर आप दोनों के रिलेशनशिप पर नहीं होगा। ठीक है, कंपैटिबिलिटी का कार्ड आ रहा है, फोर्थ नंबर पर ये कार्ड आया है। जिन लोगों ने अपने पार्टनर को हील किया है आपकी कंपैटिबिलिटी आपके पार्टनर के साथ बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आप दोबारा से एक बहुत ही केयरफ्री रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपके पार्टनर अपने जज्बात को खुल के आपके सामने रखेंगे एंड यू विल बी हैप्पी टू सी हिम बैक और सी हिम और हर बैक। ठीक है, इस तरह की एनर्जी नजर आ रही है। और जिन लोगों ने अपने पार्टनर को हील नहीं किया है ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहका कर एनर्जी को मैनिपुलेट करके उनके डिजायर्स को पूरा करते हुए अपने साथ ही आपके पार्टनर की कंपैटिबिलिटी को बना लेगी, और इस वजह से आपके पार्टनर एक स्टेप फिर पीछे ले जाएंगे। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे माफी मांगने वाले हैं अगले कुछ घंटों। ठीक है, उनकी बातों से ऐसा नहीं लगेगा कि वो डायरेक्टली बोलेंगे कि आई एम सॉरी, लेकिन आपके पार्टनर को गिल्ट का एहसास होगा, ये आप उनकी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं, उनके एक्शन से अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर अगले कुछ घंटों में रहने वाले हैं और आपके रिलेशनशिप में ये चेंजेस होने वाले हैं। तो अगले कुछ घंटे पाइल नंबर वन पीपल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पार्टनर अगर आपसे कांटेक्ट करते हैं तो उनकी बात सुनने की कोशिश कीजिएगा, अपने पार्टनर को हील कर लीजिए बिकॉज ये एनर्जी का शिफ्ट है
वो आपकी तरफ को आ रहे हैं लेकिन वो बैक स्टेप ले लेंगे, ये आप उन्हें परमानेंट नहीं समझ सकते हैं अगर आपने अपने पार्टनर को हील नहीं किया है। और पाइल नंबर वन पीपल, जिन लोगों ने अपने पार्टनर को हील किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत लंबे टाइम से आप इंतजार कर रहे थे कि कब आपके पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट बनाएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पार्टनर परमानेंटली आप तक आते हुए नजर आ रहे हैं। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर वन चूज किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो आल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेती हूं मैं, जैसे कि आपको पता है कि अपनी हर एक वीडियो के अंदर मैं एक क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, तो उसी तरह से आज की वीडियो में भी मैं एक क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली देने वाली हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन है सौम्या जी का, उन्होंने ये पूछा है कि मैम क्या कभी मैं और मेरे पार्टनर एक साथ काम करेंगे। तो सौम्या जी देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है, क्या आप और आपके पार्टनर एक साथ काम करेंगे। सौम्या जी लेट्स सी क्या आपके पार्टनर और आप एक साथ काम करेंगे। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है विद द डेविल का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, यहाँ पर फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द सन का कार्ड है यहाँ पर। मैम यहाँ पर मुझे एक चीज समझ आ रही है कि आपको ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं चीजों को लेकर, ठीक है, आपके पार्टनर को भी होंगे लेकिन उनकी डायरेक्शन आपकी तरफ को हो रही है, वो आपकी तरफ को टर्न कर रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे के साथ डेफिनेटली काम करेंगे। बहुत जल्द ही ये जो रिलेशनशिप है आपका वो बैलेंस में आ जाएगा और आप एक दूसरे के साथ डेफिनेटली काम कर पाएंगे, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक पर भी यहां पर द सन का कार्ड है, फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, आपकी हीलिंग, आपकी मैनिफेस्टेशंस आपको डेफिनेटली रिजल्ट देंगी। सो आई होप सौम्या जी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ओके, सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर टू पीपल, जिन्होंने पाइल नंबर टू चूज किया है। अगले कुछ घंटे आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं। सो फॉर पाइल नंबर टू पीपल लेट्स सी क्या चेंजेस होने वाले हैं अगले कुछ घंटों में आपके रिलेशनशिप में। तो पहला कार्ड, दो कार्ड से निकल कर आए हैं, इमोशनल लॉस का कार्ड है, पैशन इग्नाइटेड का कार्ड है। ओके, और क्या चेंजेस होने जा रहे हैं, रेस्ट एंड रिजेनरेट का कार्ड है, सेक्रीफाइस का कार्ड है यहां पर, हार्मनी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सॉलिट्यूड का कार्ड है। ओके, नाउ लेट्स सी विद दिस डेक क्या चेंजेस होने वाले हैं कुछ घंटों में, अगले चंद घंटे आपके लिए, आपके इस रिलेशनशिप के लिए किस तरह के होंगे, लेट्स सी दैट। तो यहां पर फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड पैशन इग्नाइटेड का कार्ड, द व्हील ऑफ द ईयर का कार्ड है, रेस्ट एंड रिजेनोवेट, सिक्स ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, सेक्रीफाइस, द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है, हार्मनी, थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर टेन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर टू चूज किया है, देखिए आपके पार्टनर अगले कुछ घंटों में एक इमोशनल लॉस की स्थिति से गुजरने वाले हैं। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में पहले हुआ, आपके पार्टनर उन सारी चीजों को रिवैल्यूएट करेंगे,
आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि आपको उन्होंने बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट किया है, और उन्हें ऐसा भी लगने वाला है कि अब आप उनकी सिचुएशन को समझ नहीं पाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन आप दोनों के बीच में बन सकती है, ऐसा उन्हें लगने वाला है। आपके पार्टनर ये फील करेंगे कि आप उनके ओपिनियन पॉइंट को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। इस तरह से एक इमोशनल लॉस की स्थिति से आपके पार्टनर गुजरने वाले हैं, ठीक है। आपके पार्टनर का आपको लेकर एक अलग सा जज्बा तो डेफिनेटली पैदा हो चुका है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, लेकिन अगले चंद घंटों में एनर्जी का कुछ चेंज हो रहा है, और ये चेंज इस तरह का चेंज है कि ये जो जज्बा उन्होंने अपने अंदर क्रिएट किया या उनके अंदर ऑटोमेटिकली पैदा हो रहा था, उसके ऊपर आपके पार्टनर यहाँ पर कुछ विचार विमर्श करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा चीजों को लेकर सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा एनालाइज करेंगे, वो ये भी सोचने वाले हैं कि आप किस तरह से उनके अप्रोच पे रिएक्ट करेंगे, आप इस रिलेशनशिप को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, उनके जज्बातों को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। इस वजह से अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर एक बैक स्टेप लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपको मिस तो बहुत ज्यादा करते हैं और करने भी वाले हैं, ठीक है। वो जो भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ पल बिताए हैं वो उन्हें याद भी करते हैं, और आप के साथ उनका जो कनेक्शन है वो बहुत डिफरेंट है, ऐसा भी वो मानते हैं। लेकिन आपके पार्टनर बैक स्टेप लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर रेस्ट और रिजेनरेशन की एनर्जी में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर अकेले में वक्त स्पेंड करेंगे, वो मेडिटेट करने वाले हैं, वो अपने करियर पे फोकस करने वाले हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप की तरफ को बढ़ते हुए यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, ओके। यहाँ पर सेक्रीफाइस का कार्ड है एंड द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा लगने वाला है अगले चंद घंटों में कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, लेकिन चीजें वो नहीं समझ पाए एक पॉइंट पर, ठीक है। अब अगर आपके पार्टनर आपकी तरह कुछ सेक्रीफाइस करते भी हैं तो इस रिलेशनशिप में शायद कभी बैलेंस नहीं आ सकता, ये रिलेशनशिप अटक गया है। वो इस रिलेशनशिप की तरफ को बढ़ने से डरते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि आपके पार्टनर ये रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं, डेफिनेटली वो रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर अपने लिए ब्लॉकेजेस खुद ब खुद खड़ी कर रहे हैं, ये चीज नजर आ रही है। आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन चाहते हैं। आपके पार्टनर अगले कुछ घंटों में आपको बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं। आपके हार्ट चक्रा में किसी तरीके की कोई सेंसेशन हो सकती है, ठीक है। आपके पार्टनर आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, बहुत दूर तक की बातों को सोचते हैं, एक ब्राइट फ्यूचर की उम्मीद उन्हें है, और अगले कुछ घंटों में भी वो यही उम्मीद रखने वाले हैं। इसी उम्मीद के ऊपर वो एक बैक स्टेप लेने वाले हैं कि शायद आज का वक्त सही नहीं है। उनके यहाँ जो एनर्जी नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि उनका जो सेक्रल चक्रा है और सोलर प्लेक्सस चक्रा है उसके अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट होती हुई नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर क्लियर है कि उन्हें आपके साथ रहना है, लेकिन अब आपके पार्टनर कुछ वक्त अकेले में स्पेंड करने वाले हैं। अगले कुछ घंटों की एनर्जी ये है। आपके पार्टनर आपके साथ एक अबंडेंस की जिंदगी चाहते हैं, लेकिन वो ये चीज सोच रहे हैं कि शायद अब ये चीज आप दोनों की जिंदगी में पॉसिबल ही नहीं है। आपके पार्टनर अकेला रहना चाहते हैं, वो अकेले में सेल्फ इवैल्यूएशन भी करेंगे, इस रिश्ते में उनसे क्या गलतियां हुई वो भी वो सोचने वाले हैं, ईश्वर से प्रार्थना करने वाले हैं। देखिए अगेन सेक्रल चक्रा कार्ड है, उनकी ब्लॉकेजेस वो खुद ब खुद यहाँ पर क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं इस रिश्ते को निभाना, और अगले कुछ घंटों में भी वो इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आगे आप तक बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट होती हुई नजर आ रही हैं, इसलिए अपने पार्टनर के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। अपने पार्टनर के को पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नहीं तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। सो नाउ लेट्स सी वेयर दिस डे आल्सो क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। पाइल नंबर टू पीपल, आपके पार्टनर अगले कुछ घंटों में
इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचने वाले हैं, अगले कुछ घंटों में इस रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाले हैं, देखते हैं। द सिल्वर वाटरफॉल, ओके, व्हाट एल्स? फॉरगिवनेस का कार्ड है यहाँ पर, व्हाट एल्स? सेक्सुअल फ्रीडम का कार्ड है, इंटीमेसी का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द रेनबो रिवाइवर का कार्ड है। ओके, आपके पार्टनर एक तो आपको मिस बहुत ज़्यादा करने वाले हैं अगले कुछ घंटों में, और शायद आप भी अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे अगले कुछ घंटों में। आपके पार्टनर चाहते हैं कि चीज़ें पहले जैसी हो जाएं, लेकिन उसके लिए कोई एफर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है कि उनकी ज़िंदगी के अंदर अगर कोई खुशी आ सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही आ सकती है, आपके कारण ही आ सकती है, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आप तक पहुंच पाए। आपके पार्टनर इस चीज़ की प्रार्थना करने वाले हैं ईश्वर से कि आप उन्हें माफ़ कर दें, वो अपने कर्मों के लिए शर्मिंदा हैं, उन्होंने जिस तरह से आपको हर्ट किया वो इस चीज़ के लिए शर्मिंदा हैं, तो वो ईश्वर से माफ़ी मांगने वाले हैं। वो आपको आई एम सॉरी नहीं कह पाएंगे, ठीक है, लेकिन ईश्वर से डेफिनेटली वो यहाँ पर माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने शायद मूव ऑन कर लिया है, और ये उनके खुद के बनाए हुए थॉट्स हैं। इस वजह से आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में अब इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते हैं, ये उन्होंने अपने माइंड में सेट कर लिया है कि वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपकी लाइफ को वो किसी भी तरह से नेगेटिव नहीं बनाना चाहते हैं। अपनी कोई क्लैरिफिकेशन, कोई एक्सप्लेनेशन आपके पार्टनर नहीं देना चाहते हैं। आपके पार्टनर आप दोनों के बीच में जो बिताए हुए लम्हे थे उनको बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं अगले कुछ घंटों में, और आपको भी शायद उनकी इसी तरीके से याद आने वाली है, ठीक है। आपके पार्टनर आपके साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ही सब कुछ नहीं होती है, उसके लिए काम भी करना पड़ता है। यहाँ पर आपके पार्टनर काम कुछ नहीं करने वाले हैं, आपके पार्टनर उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर ये रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, ईश्वर खुद ब खुद इस रिलेशनशिप को ठीक करते हैं। वो इस तरीके की उम्मीद यहाँ पर बनाए हुए बैठे हैं, लेकिन अपने एंड से वो कोई एफर्ट नहीं लगाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना होगा, उनको इन इस ब्लॉकेज से निकालना होगा। अगर आप अपने पार्टनर से बात करते हैं तो उनसे क्लियरली बात कीजिए, उन्हें क्लियरली बताइए कि मैं किसी और रिलेशनशिप में नहीं हूँ, ठीक है, या फिर मैं किसी और के साथ अपना फ्यूचर नहीं देखता हूँ या देखती हूँ। ये चीज़ें आप क्लियरली अपने पार्टनर से कहिए। अगर आप गोल गोल बातें करेंगे और उनसे इस पॉइंट पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको कुछ बताएं या अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करें, तो आप गलती कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप उन्हें गोल गोल बातों में घुमाएंगे, उतना ज़्यादा आपके पार्टनर आपसे दूर होते जाएंगे, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी इस चीज़ का ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर लिया है। अगर आपके पार्टनर एक पॉइंट पर भी आपको कांटेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली अपने जज्बात को खुलकर अपने पार्टनर के सामने रखिए, ताकि उनकी जो भी कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ हैं वो दूर हो जाए। और अगर इस रिश्ते को मौका देना चाहते हैं तो अपने जज्बातों को डेफिनेटली खुलकर रखिएगा, उनसे लड़ाई झगड़े की एनर्जी में ऑपरेट मत कीजिएगा। वैसे तो यहाँ पर वो कांटेक्ट बनाएंगे नहीं, अगर वो कांटेक्ट में आते हैं तो लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश मत कीजिएगा, उनसे किसी भी तरीके की कोई क्लैरिफिकेशन लेने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे, आपके पार्टनर अपने आप को फिर इमोशनली विड्रॉ कर लेंगे और सॉलिट्यूड की एनर्जीज के अंदर चले जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप पैचअप वाली सिचुएशन में नहीं होगा, और आपके पार्टनर अपने लिए किसी और तरीके की ब्लॉकेज यहाँ पर खड़ी कर लेंगे, ठीक है। अभी अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी एग्जिस्ट कर रही है, तो वो सिर्फ नाम की ही थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है। आपके पार्टनर बहुत क्लियर हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, और अगले चंद घंटों के अंदर ये सॉलिट्यूड की एनर्जीज उन्हें और किसी ब्लॉकेज की तरफ ना ले जाए, इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ओके। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो आल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं,
तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।